जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अग्निवीर के बारे में एक और बुरी खबर आई है। 6 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद अग्निवीरों को कहीं दिल्ली में पोस्टिंग मिली तो कहीं पीस एरिया में, कहीं फील्ड, कहीं मॉडिफाइड फील्ड, कहीं सीआई ऑफ्स तो कहीं हाई एल्टीट्यूड, लेकिन कुछ अग्निवीरों को पोस्टिंग सियाचिन, करगिल, लेह लद्दाख, द्रास और उस सेक्टर में मिली है। वहां से एक बुरी खबर आई है। सियाचिन में 20,000 से ज्यादा की ऊंचाई पर तैनात काराकोरम रेंज में आर्टिलरी में ऑपरेटर अग्निवीर अक्षय लक्ष्मण की शहादत हुई है। 20 अक्टूबर 2023 को यह खबर आई। इसके बाद सेना के फायर एंड फ्यूरी कोर्स यानी 14 कोर ने कहा, बर्फ में चुपचाप रहने के लिए जब बिगुल बजेगा तो वो उठेंगे और फिर से मार्च करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कहा कि सभी रैंक सियाचिन की कठिन ऊंचाइयों पर ड्यूटी के दौरान अग्निवीर गावते अक्षय लक्ष्मण के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करते हैं और परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। इसी के साथ इंडियन आर्मी ने भी अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे और सेना के सभी रैंक के अधिकारी अग्निवीर गावते अक्षय लक्ष्मण के सर्वोच्च बलिदान को नमन करते हैं। उन्होंने सियाचिन की सर्वोच्च ऊंचाइयों पर बलिदान दिया है। भारतीय सेना बलिदानी जवान के परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में मजबूती से खड़ी है। अब सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं कि पहला सवाल तो ये कि जब आप एक अग्निवीर को सैनिक मानते ही नहीं है तो उसको एक रेगुलर सैनिक के साथ तैनात करने की आवश्यकता क्या है? उसको आप कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर भर्ती कर रहे हैं और जब शहादत होती है तो शहीद का दर्जा नहीं देते हैं और उसके परिवार को आगे ना पेंशन है और ना ही आगे कोई उसकी जगह दूसरी किसी परिवार के मेंबर को नौकरी है। बस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के लिए 4 साल के लिए आते हैं, जिसमें से अब आपने देख ही लिया कि वो कितने मजबूत हैं। शरीर से मजबूत हो सकते हैं लेकिन मानसिक तौर पर मजबूती तभी मिलती है जब बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग में खूब रगड़ा खाने के बाद एक रेगुलर सैनिक सेना में पास आउट होकर यूनिट में पहुंचता है। उस दौरान उस सैनिक को बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है कि वो कहीं सेंटर से यूनिट में पहुंच चुका है, क्योंकि सेंटर में उसको इतना शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत कर दिया जाता है कि वो हर किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करने के लिए 24 घंटे तैयार रहता है। लेकिन वो बात अग्निवीरों में नहीं है। अग्निवीर शारीरिक तौर पर भी कमजोर रहे हैं क्योंकि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली, और मानसिक तौर पर भी कमजोर है क्योंकि उनको आगे फ्यूचर का जो सिक्योर है, सुरक्षित है, वो सुरक्षा है वो नहीं दिखाई दे रही है। उनके मन में 4 साल तक हमेशा रहेगा कि मैं परमानेंट होऊंगा या नहीं होऊंगा, यदि परमानेंट नहीं होऊंगा तो फिर मैं वापस आकर अपने माँ बाप को क्या कहूँगा कि मैं देश की सेवा के लिए गया तो था लेकिन आगे सेलेक्ट नहीं हो पाया। ऐसे गांव वाले क्या कहेंगे उंगली खड़ी करके कि बड़ा सैनिक बनने के लिए गया था लेकिन आ गया ना 4 साल लेबर का काम करके या 4 साल कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ख़त्म करके। यही सवाल उनको झकझोर देता है और इसी के कारण वो मानसिक तौर पर कमज़ोर है, इसलिए दबाव भी वो सहन नहीं कर पाते। अग्निवीर अक्षय लक्ष्मण की मौत का कारण सेना ने क्यों नहीं बताया? बताना चाहिए था ना। हर एक आदमी को जानने का अधिकार है कि वहाँ पे अक्षय लक्ष्मण की मौत किस प्रकार हुई है। क्या कोई एवलांच आया था? क्या अक्षय लक्ष्मण को कोई शारीरिक प्रॉब्लम हो गई थी या कोई तीसरा कारण रहा होगा? इस बात का खुलासा करना चाहिए और यह भी बताना चाहिए सेना को कि अक्षय लक्ष्मण शहीद है या नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अग्निवीर अक्षय लक्ष्मण की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें वो अपने श्री चरणों में स्थान दें। साथ ही अक्षय लक्ष्मण के परिवार वालों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनको दुख सहन करने की शक्ति दें। और आपका इसके बारे में क्या कहना है, आप अपना जो कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आप सच्ची श्रद्धांजलि भी दे सकते हैं और आप अपनी राय भी रख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए
जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।